ये फोटोशॉप का सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे फोटोशॉप के जो रिमेनिंग टूल्स हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले। तो यहाँ हमारा पहला टूल है, वो है स्पॉट हीलिंग। हीलिंग में हम जाते हैं तो स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश, पेस्ट टूल और रेड आई टूल आता है हमारा। तो सबसे पहले हम स्पॉट हीलिंग की बात करते हैं। हीलिंग का मतलब होता है जो इमेज आपकी दी गई है स्क्रीन पर, जैसे एक इमेज दिया गया है, इसको मैं इसका मल्टीपल कॉपीज बना सकता हूँ। तो उसके लिए बट हीलिंग में क्या होता है कि जो भी आपका सेकंड कॉपी बनेगा वो पहले की कंपैरिजन में लाइट होगा। हीलिंग स्टार्ट करने के लिए आप ऑल्ट के साथ स्टार्ट क्लिक करेंगे तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। इसके बाद जैसे जैसे आप ब्रश को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे यहाँ पर, तो वो पार्ट आपका उस स्क्रीन पर वहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन या ज़्यादा पोर्शन आपका विजुलाइज हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए हीलिंग आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट होता है। इस तरीके से हम लोग वहाँ पे हील कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसके नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हीलिंग ब्रश। ये स्पॉट हीलिंग था, इसके बाद हीलिंग ब्रश आता है। हीलिंग ब्रश में भी आप ब्रश के साइज़ को ब्रैकेट के की से आप बड़ा करेंगे। इसमें भी ऑल्ट के साथ आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना है और यहाँ पर जैसे जैसे आप ड्रॉ करेंगे वो आपको दिखाई देगा। स्पॉट हीलिंग में आपको दिखाई नहीं देता और जैसे ही यहाँ पर आप लेफ्ट बटन को छोड़ते हैं अपने माउस का, तो ये पहले के कंपैरिजन में काफ़ी लाइट हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद ये पहले से लाइट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम इसको डबल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा हीलिंग ब्रश। इसके बाद हम यूज़ करते हैं पेस्ट टूल। पेस्ट टूल में आपको करना क्या है, पेस्ट टूल में एक सिलेक्शन देना है, कहीं भी आप किसी भी शेप में आप सेलेक्ट कर लीजिए और इस सिलेक्शन को उठा के जो इमेज आपको उस पोर्शन पर दिखाना है वहाँ पर जाकर छोड़ दीजिए। तो यहाँ से भी आपका इमेज डबल होता है। बस आपको शेप बनाना है और शेप बनाने के बाद उस पर्टिकुलर पार्ट को, यानी उस सिलेक्शन को, इमेज को, जिस पार्ट को आपको शो करना है वहाँ पर जाकर आप प्लेस कर देंगे। तो ये कहलाता है मेरा पेस्ट टूल। आपने बहुत सारे फोटोग्राफ्स में देखा होगा रेड आई, बहुत सारे लोगों को फ्लैश की वजह से रेड आईज हो जाती है, तो रेड आई रिमूवल टूल होता है हमारा। यहाँ से हम आँखों को, जो हमारा आइज़ का कलर है वो बदल सकते हैं, यानी ब्लैक कर सकते हैं। इसके बाद ब्रश टूल आता है। ब्रश टूल आप जानते हैं, जो भी ब्रश आप सेलेक्ट करेंगे और वो ब्रश चलेगा आपका ब्रश। यहाँ से आप ब्रश में वेरिएशन डाल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस आते हैं। किसी भी ब्रश को सेलेक्ट करके जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस का। यहाँ से कलर पैलेट दिया गया है, कलर पैलेट से जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे उस पर वो ब्रशेस आपका वर्क करेगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट है आपका पेंसिल टूल। पेंसिल टूल आपका एज़ कम्पेयर टू द ब्रश ये काफ़ी लाइट होता है, काफ़ी पतला चलता है। इसके नेक्स्ट है हमारा कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट से आप किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपने कलर कौन सा सेलेक्टेड है। तो जैसे मेरा इंटेंसिटी कलर, आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप फिल करेंगे तो वहाँ पर जो भी वेरिएशन होने होंगे वो आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए रेड कलर की इंटेंसिटी आपके ब्रश साइज़ पर, जैसे जैसे मैं ब्रश चला रहा हूँ तो रेड कलर मेरा फिल होता चला जा रहा है। इसके थ्रू हम लोग कलर रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये पार्ट आपका सिलेक्टेड होगा तो सिर्फ इतने का ही कलर चेंज होगा, बाकी पोर्शन का कलर चेंज नहीं होगा, तो उसके लिए सिलेक्शन ज़रूरी है। यहाँ पर आता है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करने से पहले हम लोग सारे इफेक्ट्स हटा देते हैं। तो सारे इफेक्ट हटाने के लिए हम लोग F12 प्रेस करेंगे। जितने भी आपने यहाँ पर चेंजेस करे हैं उन चेंजेस को रिमूव करने के लिए हम लोग F12 का बटन प्रेस करते हैं। F12 से आपका जो जितने भी चेंजेस हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प में भी सेम वही करना है, ऑल्ट के साथ आपको स्टार्टिंग पोजिशन देनी है और उसके बाद ड्रॉ कर देना है। बट क्लोन स्टैम्प और हीलिंग में इतना फ़र्क होता है कि क्लोन स्टैम्प में बिल्कुल सेम टू सेम आपका फिगर ड्रॉ होगा, लाइट नहीं होता, और हीलिंग में वो जो हम इमेज बनाते हैं ऑल्ट के साथ वो आपका लाइट हो जाता है। तो यहाँ किसी भी पार्ट को डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करते हैं। क्लोन का मतलब डुप्लीकेट से होता है, बिल्कुल सेम टू सेम बनाएगा। इसके बाद पैटर्न स्टैम्प टूल आता है। पैटर्न में से आप कोई भी पैटर्न यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ये पैटर्न दिए गए होते हैं। जब आप इस पैटर्न को फिल करेंगे तो ये भी फिलिंग के लिए यूज़ होता है। कहीं आपको स्टोन्स वगैरह दिखाने हैं, कहीं कुछ और अदर चीज़ें शो करनी है, तो आप अगर स्टोन्स चाहिए तो आप यहाँ पर जाएंगे, राइट साइड में अपेंड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से रॉक पैटर्न और इसको अपेंड कर दीजिएगा। अपेंड करने के बाद वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। तो मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर पैटर्न चूज़ करता हूँ और इसको फिल कर देता हूँ। तो ये पैटर्न स्टैम्प टूल कहलाता है। यहाँ से कोई भी पैटर्न आप चूज़ करके उसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्टोन्स का, ये इस तरीके से स्टोन्स आप यहाँ पर फिल अप कर सकते हैं। ऐसे ही नेचर से रिलेटेड यहाँ पर और
पैटर्न्स दिए गए होते हैं उनको भी अपेंड किया जा सकता है इसी सेम विंडो में। तो यहाँ आपने ये इस तरीके से आपने यहाँ पर स्टोन्स दिखा दिए हैं, तो ये पैटर्न से पॉसिबल है। यहाँ पैटर्न पर जाएंगे, इसी तरीके से नेचर इसमें दिया गया, नेचर पैटर्न को सेलेक्ट करके आपने अपेंड करेंगे तो यहाँ पे नेचर के इफेक्ट्स होंगे। तो सिमिलरली आप नेचर को भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लीव्स के बहुत सारे पैटर्न्स दिए गए, ये उन्हीं पैटर्न में से एक है। यहाँ पे लीव का है, फ्लावर्स हैं आपके, तो ये कोई भी पैटर्न आप अपने इमेज पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है इरेजर। इरेजर से हम बैकग्राउंड, यानी इसमें दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक कलर इरेज करने के लिए होता है, ये कलर इरेज करने के लिए, और एक होता है बैकग्राउंड इरेजर। और बैकग्राउंड इरेजर जब भी आप यूज़ करते हैं तो ये आपका कलर वगैरह सबको इरेज करके बैकग्राउंड डायरेक्टली बैकग्राउंड को शो करता है। और इसी में एक टूल और आता है हमारा मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर एक बार में एक पर्टिकुलर कलर को इरेज कर सकता है और ये इरेज करने के बाद डायरेक्टली बैकग्राउंड को शो कराएगा। तो जिस भी कलर पर आप क्लिक करेंगे वो एक बार में एक पार्ट उसका, यानी शेड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एक जैसा शेड एक बार में डिलीट कर सकते हैं मैजिक इरेजर से। इसके बाद हमारा आता है ग्रेडियंट टूल। यहाँ पर ग्रेडियंट टूल दिया गया है। ग्रेडियंट से आप मल्टीपल ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं और उसको आप इस तरीके से एंगल वाइज ड्रॉ कर सकते हैं, तो ग्रेडियंट हमारे यहाँ पर फिल हो जाएगा इमेज पर। यहाँ से सर्कुलर होगा, वो रेडाइल होगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो वो शेडिंग इफेक्ट्स वो सब उसी तरीके के होने वाले हैं, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे, जैसे इसमें ये देखिए रेक्टेंगल फॉर्म में है, पहले जो था हमारा वो सर्कुलर था, यानी कि इस तरीके से उसमें ऐसे सर्कल बनेंगे। तो आप कोई भी वहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे और उसको एंगल को ड्रॉ करेंगे। ये सारे चेंज करने के बाद इसी में आता है आपका पेंट बकेट। पेंट बकेट आपका जो भी कलर सेलेक्टेड होगा यहाँ फोरग्राउंड पर, ये ऑरेंज यहाँ पर बैकग्राउंड है और हमारा पिंक जो है वो फोरग्राउंड है, तो ये फोरग्राउंड कलर फिल करेगा उस पर्टिकुलर पोर्शन पर, फिल जैसे हम पेंट वगैरह में यूज़ करते हैं उस तरीके से। इसके साथ हमें यहाँ दिया गया है ब्लर। ब्लर टूल का हम यूज़ करते हैं जहाँ हमारा स्किन टोन या रैशेस वगैरह होते हैं, वहाँ स्किन पर हम उन रैसेस को या जो झाइयाँ वगैरह होती हैं उनको हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्लर टूल को। अब जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो है और फोटो में चेहरा जितना क्लीन होगा, मतलब अगर कोई इमेज डल हो रहा है जिसमें चेहरा ख़राब हो रहा है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग क्लोन स्टैम्प सॉरी ब्लर टूल को यूज़ करते हैं। तो इमेज इसमें देखना पड़ेगा आपको, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला इमेज था। अब इस इमेज में चेहरे को जो स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे मैं जूम टूल से इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो स्पॉटिंग है इसको हम ब्लर कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लर टूल लेंगे, ब्लर के ब्रश के साइज़ को चेंज करेंगे और इसके बाद आप ब्लर टूल को जैसे जैसे आप रिमूव करते जाएंगे तो आपकी स्किन पे जो स्पॉट्स या पैचेस जो होते हैं उनको हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ को बढ़ा के आप 100% करेंगे तो वो काम जल्दी होगा आपका। और जो भी आपकी स्किन पर झाइयाँ गड्ढे वगैरह जो होते हैं वो सब फिल हो जाते हैं और चेहरा आपका ज़्यादा क्लीन लगता है। इसीलिए आपने नोटिस भी करा होगा जो हम फोटोशॉप से यानी फोटोग्राफर से फ़ोटो क्लिक कराते हैं तो वो हमारा ज़्यादा क्लीन आता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल। तो ये चीज़ें हम पॉसिबली कर सकते हैं ब्लर से। इसके बाद हमारा जो टूल है वो शार्पन टूल है। शार्पन टूल हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करता है। इसका भी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये हमारे जो पिक्सल्स हैं उनको दिखाने लगता है, तो इस तरीके से पिक्सल्स आएंगे। इसके नेक्स्ट होता है आपका स्मज टूल। स्मज टूल से हम किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं या खींच सकते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्मज टूल से पॉसिबली किसी चीज़ को जब खींच के बड़ा कर सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हमारी ब्लर हो जाती हैं जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा स्मज करते हैं। इसके बाद ये हमारा डॉस टूल था। डॉस टूल हमारा ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करता है किसी चीज़ को, तो यहाँ से चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। बर्न टूल से हम जैसे जले का स्पॉट होता है बर्निंग का वो दिखा सकते हैं हम इसमें। और स्पन टूल से आपका यहाँ से वो कलर बिल्कुल ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोटोशॉप के ये रिमेनिंग टूल आपके कवर अप हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आप सुनेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय।